हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की हुई थी, सॉइल मॉइस्चर से रिलेटेड बात की हुई थी, और उसमें कुछ फॉर्मूले देखे हुए थे और उसमें काफ़ी सारे पैटर्न्स बन रहे थे। जैसे कि हम बात करें, वहाँ पर बन रहा था हमारा रिडाइली अवेलेबल मॉइस्चर, अवेलेबल मॉइस्चर, नॉन अवेलेबल मॉइस्चर या नॉन रिडाइली अवेलेबल मॉइस्चर, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। एक फॉर्मूला भी देखा हुआ था हमने कि डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड इज इक्वल टू गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी, डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू फील्ड कैपेसिटी, या दो पॉइंट के बीच में हमें जो डेप्थ ऑफ वाटर निकालनी है वो वहां से हम निकाल रहे थे। तो उनके बेसिस पे इस प्रैक्टिस सेशंस में हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो उन क्वेश्चंस उन फॉर्मूले के बेसिस पे, उसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, ये सारी बातें यहां क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को हम देखने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा यहां पर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बोल रहा है इफ कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर फॉर अ सर्टेन क्रॉप इज 3 mm पर डे। क्या बोल रहा है, कंजम्पटिव यूज की वैल्यू दी गई है। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3 mm पर डे दिया है। तो हम यहां पर गिविन डाटा मेंशन कर लेते हैं, गिविन डाटा। ठीक है, कितना, कंजम्पटिव यूज इक्वल टू 3 mm पर डे दिया हुआ है। ठीक है, अगेन क्या बोल रहा है, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर फॉर अ सर्टेन क्रॉप इज 3 mm पर डे, देन After how many days water is to be applied? मतलब क्या निकालने की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, कितने दिन बाद। जो हमने डायग्राम बनाया हुआ था कि अगर हम बात कर रहे हैं ये इस तरीके से, ये तो हमारी ये क्या थी, फील्ड कैपेसिटी, ये हमारा क्या था, सपोज OMC था। तो OMC पर नीचे आया पानी, फिर एकदम से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये कितना टाइम ड्यूरेशन है कि हमें पानी को अप्लाई करना पड़ रहा है। तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन निकालने की बात कर रहा है। वाटर इज टू बी सप्लाइड अगेन टू मेंटेन अ वाटर डेप्थ ऑफ 10 mm, मतलब मेंटेन करना है 10 mm डेप्थ, मतलब ये पूरी डेप्थ कितनी है, 10 mm बोल रहा है। फील्ड कैपेसिटी और OMC के बीच में कितना है, 10 mm। तो हर बार 10 mm डेप्थ हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वाटर डेप्थ अप्लाइड, जितनी भी वाटर डेप्थ अप्लाइड की जा रही है, अपॉन कंजम्पटिव यूज, यही होता है यानी। और वाटर डेप्थ अप्लाइड कितनी है, 10 mm, और अगर हम बात करें कंजम्पटिव यूज कितना है, 3 mm पर डे। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार आपको लगेगा क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, यहां पर इस यूनिट को ध्यान रखना है, ये mm पर डे है और ये भी किसमें है, mm में। अगर सपोज ये वैल्यू सेंटीमीटर में दे दी जाती, इसको आपको 10 mm ना देकर के कितना दे देता, 1 cm दे देता, तो 1 cm की जगह आपको फिर mm में कन्वर्जन करके लिखना पड़ता, वो चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन कितना आ रहा, 3.33 days, ये आपका आंसर निकल आया। लेकिन 3.33 days का मतलब क्या है, 3 दिन और 1 दिन का 1/3 हिस्सा। तो अगर आपको आंसर देना होगा, ऑप्शंस में लिखे होंगे 1, 2, 3, 4, तो आप आंसर क्या टिक करेंगे, 1 days, 2 days, 3 days और 4 days, आंसर क्या टिक करेंगे, 3 days या 4 days। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जो राउंड ऑफ करना है इसको, तो हम बात करेंगे 3 days की। हमेशा राउंड ऑफ करने की कोशिश करना, लोअर साइड पे राउंड ऑफ करना। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम 4 days पे जाते हैं, तो 4 days पे जाने पर क्या होगा, कुछ समय के लिए पानी OMC से नीचे चला जाएगा। अगर हम बात करें, ये OMC दिया हुआ है कि वाटर डेप्थ जो अप्लाइड करना है, सपोज OMC दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से नीचे चला गया, और इस पॉइंट से अगर नीचे गया तो हमारी यील्ड अफेक्टेड हो जाएगी। अगेन यील्ड क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। या सपोज ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, इससे नीचे चला गया, मतलब पॉइंट, अगर हम बात करें 0.33 days ज्यादा था और तुमने 4 days में दिया, तो इससे नीचे चला गया, तो पॉइंट्स क्या करेगा, सॉरी प्लांट्स क्या होगा, विल्ट अप हो जाएगा, यानी सूख करके मर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करते हैं हम लोअर साइड में हायर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 days, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 days। तो ये पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जहां गलतियां करनी है वो गलतियां देखी और किस तरीके से राउंड ऑफ करना है वो देखा। अगर यहां पर बात करें, 3.67 days भी आता,
अगर 3.67 डेज भी आता तब भी आप हायर साइड पे राउंड ऑफ नहीं करेंगे, कहां करेंगे, लोअर साइड पे, मतलब 3 डेज क्यों हम पानी प्रोवाइड कर देंगे, 3 डेज में ही हम क्या करेंगे, वाटर डेप्थ प्रोवाइड कर देंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, कंसेप्ट के बेसिस पे हमने इसको देखा, समझ में आया है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर। सेकेंड क्वेश्चन, तो देखिएगा जब भी आप क्वेश्चन देख रहे होते हैं तो एक बार तुरंत पॉज करके कोशिश कीजिएगा कि कंसेप्ट आप लगा लेंगे, कंसेप्ट क्या लगाना है, ठीक है, तो जिससे आपका भी थॉट प्रोसेस जनरेट हो जाएगा। अगेन, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ क्रॉप कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज 2.5 mm पर डे। क्या दिया है, कंजम्पटिव यूज, तो हम गिवन डाटा यहां लिख लें, कंजम्पटिव यूज कितना दिया है, 2.5 mm पर डे दिया हुआ, 2.5 mm पर डे। तो अगर हम बात कर रहे हैं 2.5 mm पर डे, क्या दिया गया है, डिटरमाइन द इंटरवल इन डेज बिटवीन इरीगेशन एंड द डेप्थ ऑफ वॉटर। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या निकालना है, डिटरमाइन द इंटरवल इन डेज बिटवीन इरीगेशन, इरीगेशन के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो इंटरवल कितना होगा, मतलब क्या निकालने की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है क्या, वाटर डेप्थ अप्लाइड अपॉन कंजम्पटिव यूज। तो क्वेश्चन में कंजम्पटिव यूज दिया रहे, क्या वाटर डेप्थ जो अप्लाइड करनी है वो दी है, क्या वाटर डेप्थ अप्लाइड जो करनी है वो दी है, वो नहीं दी है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इंटरवल इन डेज बिटवीन द इरिगेशन, तो एक पॉइंट। दूसरा, एंड द डेप्थ ऑफ वॉटर टू बी अप्लाइड, द डेप्थ ऑफ वॉटर टू बी अप्लाइड व्हेन द अमाउंट ऑफ वॉटर अवेलेबल, यानी अवेलेबल मॉइस्चर की बात कर रहा है, अमाउंट ऑफ वॉटर अवेलेबल इज 50% ऑफ द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अवेलेबल वॉटर, जो मतलब रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर है वो कितना है, 50% ऑफ अवेलेबल वॉटर, टोटल अवेलेबल वॉटर का कितना है, 50% है, इन द रूट जोन विच इज 80 mm। मतलब क्या दिया है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वॉटर, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अवेलेबल वॉटर वो कितना बोल दिया गया है, 80 mm अवेलेबल है, कितना mm, 80 mm, और इसका कितना पहुंच जाए, 50% पहुंच जाए, तब हमें इरिगेशन करना है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर वॉटर डेप्थ प्रोवाइडेड इज इक्वल टू कितना है, 50% ऑफ मैक्सिमम अवेलेबल मॉइस्चर, मैक्सिमम अवेलेबल मॉइस्चर या मैक्सिमम अवेलेबल वाटर, और अगर हम बात करें 50%, 50/100 इंटू कितना हो जाएगा, 80 mm, तो ये कितना आ जाएगा, 40 mm, तो वाटर डेप्थ कितना अप्लाइड करना है, 40 mm। आगे पढ़ते हैं, अज्यूम इरीगेशन इफिशियंसी टू बी 60%। अब ये क्यों दिया गया है, इरीगेशन इफिशियंसी भी हमें दी गई है और हम मान लेते हैं एप्लीकेशन इफिशियंसी है, तो कितना दिया गया है, 60%, क्योंकि हमने बात की हुई थी जब भी कभी इरीगेशन इफिशियंसी बोला जाएगा और हमें नहीं दिया है कौन सी इफिशियंसी, तो हम उसे फार्म इफिशियंसी या एप्लीकेशन इफिशियंसी मान के चलते हैं, तो हम सिंपली इरीगेशन इफिशियंसी को ईटा से लिख देते हैं, ईटा इज इक्वल टू 60% दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या निकालना, पहला डिटरमाइन इंटरवल, तो हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज इक्वल टू वाटर डेप्थ अप्लाइड अपॉन कंजम्पटिव यूज, वाटर डेप्थ अप्लाइड अपॉन कंजम्पटिव यूज, वाटर डेप्थ कितना है, 40 mm, और ये कितना आया है, 2.5 mm पर डे निकल के आया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां से डेसिमल हटाए, ऊपर जीरो बढ़ाए, तो कितना हो जाएगा, 25 एक और फिर 15, तो हम 6, तो हम बात कर रहे हैं ये कितना निकल के आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन 16 डेज निकल करके आएगा, 16 डेज, तो पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, अब समझना बात को, दूसरा पूछ क्या रहा है, द डेप्थ ऑफ वॉटर टू बी अप्लाइड when अमाउंट ऑफ वॉटर अवेलेबल इन द सॉइल इज 50%, वो डेप्थ बताइएगा जो अप्लाइड की जा रही है, ये तो क्या होगी, ये तो वाटर डेप्थ प्रोवाइडेड, यानी जो रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर है उसकी बात कर रहे हैं। देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल जो था ये अवेलेबल मॉइस्चर था, ये कितना था, अवेलेबल वाटर था, टोटल कितना था, अवेलेबल वाटर, और ये कितना था, 80 mm।
अब उसमें हम बात कर रहे थे कितना पहुंच जाए, जब 50% पहुंच जाए, कितना पहुंच जाए 50%, यानी 50% यानी 40 mm प्रोवाइड जब पहुंच जाए तो हमें पानी देना है। लेकिन क्या बोला है, वॉटर टू बी अप्लाइड, डेप्थ ऑफ वॉटर टू बी अप्लाइड। डेप्थ ऑफ वॉटर टू बी अप्लाइड का मतलब है कि इस सरफेस पे डेप्थ ऑफ वॉटर कितनी अप्लाइड की है। तो 40 तो हमें क्या चाहिए है, आउटपुट, और इनपुट क्या देना होगा ये हमसे पूछना चाह रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 आउटपुट, और इनपुट क्या देना चाह रहा है ये हमसे पूछना चाह रहा है अगर इफिशियंसी दी गई है। तो अगर हम बात करें इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। और आउटपुट की अगर हम बात करें 0.6, आउटपुट कितना है 40 mm, तो इनपुट हमें निकालना है। तो इनपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी वाटर डेप्थ अप्लाइड, इनपुट इज इक्वल टू वाटर डेप्थ अप्लाइड, वाटर डेप्थ अप्लाइड। और वाटर डेप्थ अप्लाइड की बात करें तो कितना हो जाएगा, 40 mm अपॉन 0.6। और अगर 40 mm अपॉन 0.6 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें 36.67, तो ये 66.67 mm निकल करके आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर, कि वाटर डेप्थ कितनी अप्लाइड करना होगी। तो ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं। पहला हमें निकालना था इंटरवल, तो इंटरवल डायरेक्टली हमने निकाला कि वाटर डेप्थ अप्लाइड जो भी अप्लाइड की जा रही है उसका कंजम्पटिव यूज से डिवाइड कर देंगे, तो 25 mm पर डे, क्योंकि 50% बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि कितना डेप्थ अप्लाइड होगा, वो हमने इनपुट आउटपुट इफिशियंसी दी गई है उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकाल लिया। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया है और ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया है। तो आई होप कि अब ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली बस गुणा भाग ही करना है और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। सबसे पहले लैंग्वेज समझिएगा, लैंग्वेज समझने के बाद उसको गुणा भाग कीजिएगा और आपका आंसर यहां पर निकल करके आ जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे और क्वेश्चंस कर लें इसके, तो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए तो यहां पर देखिएगा, ये आपके दो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने लेवल अप किया है। अब इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, डाटा निकालते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट फॉर अ 0.8 मीटर रूट जोन। 0.8 मीटर रूट जोन बोल दिया, तो 0.8 मीटर रूट जोन का मतलब क्या है, डी डेप्थ ऑफ रूट जोन बोला गया है, वो कितना है, डी की वैल्यू कितना बोल दिया, 0.8 मीटर बोल दिया गया, कितना 0.8 मीटर, ठीक है। साथ ही साथ क्या बोला गया है, फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू कितना बोल दिया गया है, 35% एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट 10%। तो फील्ड कैपेसिटी 35% और नीचे आते आते आपको क्या मिलेगा, एक परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू 10% बोल दिया है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रिस्पेक्टिवली, मतलब फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट रिस्पेक्टिवली 35% और 10% है, ठीक है। एट अ गिवन टाइम द सॉइल मॉइस्चर इन द सॉइल इज 20%। एक किसी टाइम पर हमने देखा सॉइल मॉइस्चर जब हमारा 20% है तो हम इसको OMC बोल दें, या हमने सॉइल मॉइस्चर ही बोल दिया, तो आगे पता चल जाएगा OMC होगा या नहीं। क्या बोल रहा है, एट अ सॉइल मॉइस्चर इन द सॉइल इज 20%, एट अ गिवन टाइम कितना है 20%, व्हेन फार्मर इरिगेट द फील्ड, उस कंडीशन में फार्मर्स ने इरिगेशन स्टार्ट कर दिया। और फार्मर ने अगर इरिगेशन स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा हुआ था क्या, कि जैसे ही सॉइल मॉइस्चर OMC तक गिरता है वैसे ही फार्मर इरिगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि OMC के बाद जो मॉइस्चर अवेलेबल है वो नॉन रिडाइली अवेलेबल है। मतलब अगर OMC से नीचे पानी जाता है तो पानी मॉइस्चर तो अवेलेबल है, बट हमारी जो क्रॉप ईल्ड है वो क्रॉप ईल्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हम बात कर रहे हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं, OMC। OMC इज 20% व्हेन द फार्मर इरिगेट्स द फील्ड विद 250 mm डेप्थ ऑफ वाटर। तो हम बात कर रहे हैं डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड बाय फार्मर कितना है, कितनी की गई है, 250 mm अप्लाइड किया गया है, कितना 250 mm अप्लाइड किया है, ठीक है। Assuming the specific gravity of soil as 1.6, specific gravity, तो अगर हम बात करें specific gravity की, तो specific gravity
क्या G इज इक्वल टू गामा ड्राई अपॉन गामा W लिखा जा सकता है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है 1.6, डायरेक्टली वैल्यू दे दी गई है, कितना दे दी गई है 1.6, एंड अज्यूमिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल एज 1.6 एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज वेस्टेड इन इरीगेशन। तो हमें क्या निकालना है, अब डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज वेस्टेड, वेस्टेड अमाउंट निकालना है। तो वेस्टेड अमाउंट कैसे निकालोगे, वेस्टेड तो तब माना जाएगा जब ये जो वाटर डेप्थ प्रोवाइड की गई है ये ज्यादा होगी। हमें कैसे पता चलेगा ये ज्यादा है या कम है, हमें देखना पड़ेगा कि जो वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड है किस किस के बीच में। अगर हम बात करते हैं DW, अगर हम बात करते हैं DW, ये रिक्वायर्ड हो गई, रिक्वायर्ड वाटर डेप्थ। अगर हम बात करें फील्ड कैपेसिटी और OMC के बीच में जो रिक्वायर्ड वाटर डेप्थ है वो हमारा DW अप्लाइड वाटर डेप्थ से अगर कम हुआ तो कुछ पानी वेस्टेड होगा या नहीं, कुछ पानी वेस्टेड होगा या नहीं। तो इस क्वेश्चन को सेपरेट कर देते हैं थोड़ा सा और यहां पर हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू इरीगेट द फील्ड। तो लिख सकते हैं आप DW रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, गामा ड्राई अपॉन गामा W इंटू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस OMC। ठीक है, अब देखो फील्ड कैपेसिटी माइनस OMC क्यों किया, क्योंकि यही डेप्थ है जो हम इरिगेट करने की बात करते हैं। क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में जैसे ही वाटर, जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट 20% तक पहुंच गया वैसे ही हमें क्या करना पड़ा, इरिगेशन। तो यही वाटर डेप्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर वो क्वेश्चन में बोलता कि जब मॉइस्चर कंटेंट 10% दिया गया है उस कंडीशन में हमने इरिगेशन रिक्वायर्ड किया तो हम फील्ड कैपेसिटी और PWP के बीच में वाटर डेप्थ निकालते। तो अब देखो यहां पर क्वेश्चन में एक और डाउट आ सकता है, क्या सर यहां पर केवल स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला गया है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी नहीं बोला गया है, सर स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्राई सॉइल की थोड़ी ना बोली गई है। तो हमने माना है कि ये ड्राई सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अगर हम इसको ड्राई सॉइल की नहीं मानेंगे तो ये क्या होगा, गामा सॉलिड अपॉन गामा W, ठीक है, सॉइल में पड़ा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, तो वो यहां पर फीजेबल नहीं हो पाएगा। या फिर अगर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पे दी गई होती तो वो हमारा गामा बल्क कहा जाता और फिर उस गामा बल्क से गामा ड्राई की वैल्यू निकालते, गामा ड्राई इज इक्वल टू गामा बल्क अपन 1+W। तो ऐसे क्वेश्चंस आगे आकर के मैं आपको करवा दूंगा कि समझ में आएगा, इसी पैटर्न में बता दूंगा कि क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ी देर से समझने की कोशिश करना। अभी ये जो डाटा निकाला है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, अब गामा ड्राई अपन गामा W की वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दी गई है, कितनी दे दी गई है 1.6। डी की वैल्यू कितनी दे दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है 0.8 मीटर। तो 0.8 मीटर इनटू फील्ड कैपेसिटी की 35% यानी 0.35 और OMC कितना दिया गया है 20% यानी 0.20। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात करें 1.6 इंटू 0.8 इंटू 0.35 माइनस 0.20, तो ये वैल्यू आ रही है 0.192। कितनी आ रही है 0.192 मीटर। तो 0.192 मीटर, और अगर हम इसको mm में लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे 192 mm। तो बताओ रिक्वायर्ड डेप्थ 192 mm है, रिक्वायर्ड डेप्थ कितना है 192 mm और हमने प्रोवाइड कितना कर दिया है 250 mm, तो लॉसेस होंगे या नहीं। हेंस लॉसेस इन वाटर डेप्थ या वेस्टेड वाटर डेप्थ या वेस्टेड वाटर इन टर्म्स ऑफ डेप्थ वो कितना होगा, DW अप्लाइड माइनस DW रिक्वायर्ड, और DW अप्लाइड कितना है 250 और रिक्वायर्ड कितना है 192। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 58 mm यहां पर हमारी वैल्यू निकल करके आ जाती है, कितना आती है 58 mm। क्लियर है बात सभी को। तो देखो ये वैल्यू किसमें थी, हमारी मीटर में थी, इस मीटर को किसमें कन्वर्ट किया mm में, क्योंकि यहां पर ये जो वैल्यू दी गई है 250 कहां गई है, हाँ 250 mm, तो ये वैल्यू mm में दी गई है इसलिए हमने उसको mm में। अगर आपसे परसेंटेज लॉस पूछ ले तो क्या होगा, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू टोटल लॉस अपॉन रिक्वायर्ड से करोगे या अप्लाइड से करोगे, अप्लाइड से करना है, अप्लाइड के रिस्पेक्ट में, जो अप्लाइड कर दिया है उसके रिस्पेक्ट में। तो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में यानी 250 के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, तो लॉस 58 अपॉन 250 इंटू 100 और ये वैल्यू आपकी निकल करके कितनी आती है
58 डिवाइडेड बाई 250, तो ये आती है 23.2%। तो लॉसेस कितने हुए, 23.2% लॉसेस हो गए। तो ये परसेंटेज में लॉसेस निकल के आए। तो अब क्वेश्चन समझ में आया, यहां पर क्या निकालना था, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज वेस्टेड। तो अमाउंट ऑफ वाटर मतलब डेप्थ ही आपको निकालनी थी। अब वॉल्यूम के टर्म में निकालना होगा तो वो क्या करता, इस क्वेश्चन में एरिया दे देता, इस क्वेश्चन में क्या करता, एरिया दे देता। तो अब इस डेप्थ को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, एरिया से। तो वॉल्यूम के टर्म में आ जाता आपका वॉल्यूम, जो वेस्टेड अमाउंट है वो किसके टर्म में आ जाता, वॉल्यूम के टर्म में आ जाता है यानी, ठीक है। तो वो चीजें यहां पर ध्यान रखना है। सपोज अब मैं क्या बोल रहा हूं क्वेश्चन में, वो बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। वो बोलता है क्वेश्चन में यहां पर, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इस क्वेश्चन का वेरिएशंस देखना, वेरिएशंस क्या बोल रहा हूं, ठीक है। वेरिएशंस क्या कर रहा हूं, वो यहां पर बोलता कि डेंसिटी ऑफ सॉइल एज 1.6 ग्राम पर सीसी एट द रेट 20% मॉइस्चर कंटेंट। उसने क्या बोल दिया क्वेश्चन चेंज करके, Assuming the density of soil as 1.6 gram cc per at the rate 20%. तो देखो अब इसने बोला है density, अगर हमने density बोल दिया है 20% तक, अगर इस question में केवल इतना बोलता density of soil as 1.6 gram per cc, तो आप उसको क्या मानते, gamma dry। उस condition में आप उसको क्या मानते, gamma dry, क्योंकि question में specify नहीं किया गया है कि density कहां पर है, डेंसिटी 35% पे है, डेंसिटी 20% पे ली गई है, या डेंसिटी 10% पे ली गई है। तो आप उसको क्या मानते, सिंगल वैल्यू गामा ड्राई, और गामा ड्राई कांस्टेंट वैल्यू है यानी पर्टिकुलर सॉइल के लिए, क्योंकि WS अपॉन V कांस्टेंट वैल्यू है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं गामा ड्राई कांस्टेंट, तो उसको गामा ड्राई, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को वेरिएबल कर देता तो हम यहां गामा ड्राई की वैल्यू 1.6 लगाते और गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी 1 ग्राम पर सीसी और उसको सॉल्व करते, सेम हो जाता है यानी। लेकिन अगर यहां पर बोल देता कि assuming the density of soil as 1.6 gram per cc at the rate 20% moisture contained, at a rate 20%, तो यहां पर अब उसने गामा की वैल्यू दे दी है कितना, 1.6 gram per cc, कहां पर दे दी गई है, 20% moisture पे। और जब उसने 20% moisture पे ये वैल्यू दे दी गई है, मतलब ये गामा बल्क की वैल्यू दे दी गई है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में नहीं किया। तो अब हमें यहां से गामा बल्क दिया है, तो गामा ड्राई इज इक्वल टू क्या होता है, गामा बल्क अपॉन 1+W। तो यहां पर लगाना पड़ता 1.6 अपॉन 1+W यानी 0.20। अब यहां पर ये वैल्यू आपकी गामा ड्राई निकल के आती और फिर आप उस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर पाते। तो लैंग्वेज में थोड़ा सा वेरिएशन करने पे किस तरह क्वेश्चन में वेरिएशन हो रहा है, ये बात समझ में आई। हमें अगर ओएमसी पर ही केवल गामा ड्राई गामा की वैल्यू दी होती तो हम उसे गामा केवल यहां ने लिखा होता डेंसिटी ऑफ सॉइल एट 20% ओएमसी 20%, तो हम उसको गामा बल्क मान के सॉल्व करते। और अगर कुछ भी नहीं दिया है कि ये परसेंटेज नहीं दिया है किस मॉइस्चर कंटेंट पे है, तो हम उसको डायरेक्टली गामा ड्राई मानेंगे, क्योंकि वो इस पर भी सेम रहेगी, इस पर भी सेम रहेगी, इस पर भी सेम रहेगी। और गामा ड्राई निकालो तो इस पर तीनों पर लगभग सेम आने वाली है, क्योंकि यहां पर बल्क अलग अलग हो जाएगा, बल्क वैल्यू क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। तो क्वेश्चन का वेरिएशन किस तरीके से है, ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट होता हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन में तीन वेरिएशन हमने देख लिए हैं कि किस तरीके से वेरिएशन पॉसिबल हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन वाले पॉइंट होते हैं ना, इनको कहीं ना कहीं नोट बनाकर लिख के लिख लिया करो अपनी कॉपी में कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप हैविंग फील्ड कैपेसिटी एज 32%, क्या बोल रहा है, अगर गिवन डाटा लिखने की बात करें तो फील्ड कैपेसिटी बोल रहा है कितना, 32%, एंड पीडब्ल्यूपी एज 15%। पीडब्ल्यूपी की वैल्यू कितना दे रखा है यहां पर, 15% दे के रखा है, पीडब्ल्यूपी की वैल्यू 15%। फाइंड द स्टोरेज कैपेसिटी इन 80 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ रूट जोन। तो डेप्थ ऑफ रूट जोन इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 80 सेंटीमीटर दिया गया है। डी की वैल्यू आपको दे दी गई है 80 सेंटीमीटर।
अगर डी की वैल्यू 80 सेंटीमीटर दी गई है तो 80 सेंटीमीटर डेप्थ में क्या निकालना है, पहला पॉइंट स्टोरेज कैपेसिटी, ये पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, क्या दिया है, गामा ड्राई भी दे दिया गया है, 1.5 ग्राम पर सीसी दे दिया गया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो हमने अपने लेक्चर में बात की हुई थी कि स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम अवेलेबल मॉइस्चर, मैक्सिमम अवेलेबल मॉइस्चर, या सिंपली आप बोल सकते हैं अवेलेबल मॉइस्चर। और अगर अवेलेबल मॉइस्चर की बात करें तो डेप्थ ऑफ वॉटर बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड पीडब्ल्यूपी, डेप्थ ऑफ वॉटर बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड पीडब्ल्यूपी, डेप्थ ऑफ वॉटर जो होता है बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड पीडब्ल्यूपी, फील्ड कैपेसिटी एंड पीडब्ल्यूपी, फील्ड कैपेसिटी और जो हमारा परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट है उनके बीच में जो वॉटर डेप्थ अवेलेबल होगी वही हमारा क्या कहलाता है, अवेलेबल मॉइस्चर। तो अवेलेबल मॉइस्चर यानी डेप्थ ऑफ वॉटर इज इक्वल टू कितना, अवेलेबल मॉइस्चर। तो अवेलेबल मॉइस्चर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हम बात करें तो ये कितना 1.5, अब देखो ये वैल्यू दी गई है ग्राम पर सीसी में, तो गामा डब्ल्यू जो अज्यूम करोगे वो कितना करोगे, 1 ग्राम पर सीसी, कितना 1 ग्राम पर सीसी, और 1 ग्राम पर सीसी रखना पड़ेगा, तो ये 1 ग्राम पर सीसी इंटू डेप्थ, डेप्थ कितना है 80 सेंटीमीटर, इंटू फील्ड कैपेसिटी कितना दिया गया है 0.32 और परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट 0.15। तो ये डेप्थ की वैल्यू बता देना जरा कितना निकल करके आ रही है, 1.5 इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 0.32 माइनस 0.15, तो ये कितना निकल के आई 20.4 सेंटीमीटर, 20.4 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया है, स्टोरेज कैपेसिटी या अवेलेबल मॉइस्चर और अवेलेबल मॉइस्चर। अब हम इसका बी पॉइंट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बी पॉइंट क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द वॉटर डेप्थ रिक्वायर्ड। तो देखिए अब इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, बी पार्ट हम कर रहे हैं, तो यहां हम बात कर रहे हैं ऑल्सो फाइंड द वॉटर डेप्थ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड व्हेन मॉइस्चर फॉल्स टू 20%। जब वॉटर डेप्थ निकालना है जब हमारा मॉइस्चर कितना आ जाएगा, 20% तक फॉल हो जाएगा, 20%। तो मुझे बताइएगा अगर मैं ये पूरी बात करता हूं यहां से लेकर यहां तक, तो ये कितना हो गया है, अवेलेबल मॉइस्चर हो गया है या नहीं, अवेलेबल मॉइस्चर। और अगर इस पॉइंट को बात करें तो ये रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर और ये डेप्थ जो हो गया है नॉन रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर निकल करके आ गए हैं या नहीं। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर सेकेंड पॉइंट, तो हमें सेकेंड पॉइंट निकालना है वॉटर डेप्थ रिक्वायर्ड व्हेन मॉइस्चर फॉल अप टू 20% इज इक्वल टू क्या निकालना है, रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर। और रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर यानी डेप्थ ऑफ वॉटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस ओएमसी। तो इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा, वैल्यू पुट अप करेंगे कितना हो जाएगा, 1.5 अपॉन 1 ग्राम पर सीसी इंटू डी 80 सेंटीमीटर ही रख देते हैं हम, 80 सेंटीमीटर इंटू फील्ड कैपेसिटी 0.32 माइनस 0.20। तो देखिएगा ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये ए पार्ट बी पार्ट, आपसे ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व करने का पता होना चाहिए। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें वॉटर डेप्थ से दिया गया है, या इस क्वेश्चन में डायरेक्टली वो ये भी बोल सकता था कि रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर निकालिएगा, तो कितना हो जाएगा 14.4 सेंटीमीटर। अगर इस क्वेश्चन में पूछता नॉन रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर निकालिएगा, क्या पूछता, नॉन रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर, तो अगर नॉन रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर निकालना है तो नॉन रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर इज इक्वल टू अवेलेबल मॉइस्चर माइनस रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर। तो रेडाइली मॉइस्चर कितना, अवेलेबल मॉइस्चर कितना था 20.4 माइनस
रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर कितना था, 14.4 इज इक्वल टू कितना आ गया है, 6 सेंटीमीटर, ये आंसर निकल करके आ गए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, बोलेगा फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के बीच में जो वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड है वो 20.4 सेंटीमीटर है, या आपको क्वेश्चन दे देगा फील्ड कैपेसिटी इतनी है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इतना है, और रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर वाटर डेप्थ जो है वो 14.4 सेंटीमीटर है, तो बताइएगा नॉन रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ कितना होगा। आपको क्या करना होगा, फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूपी दिया हुआ है, उससे आप क्या निकालेंगे, उससे आप निकालेंगे स्टोरेज कैपेसिटी यानी अवेलेबल मॉइस्चर, और अवेलेबल मॉइस्चर आ गया, रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ दी गई है, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल करके आ जाएगा, यहां पर नॉन रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ निकल करके आ जाएगी। सभी को क्लियर है ये बात, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन से आप तो देखिएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा और अपग्रेड किया है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरिजन में। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल यू सप्लाई द वॉटर इन ऑर्डर टू इंश्योर, मतलब आफ्टर हाउ मेनी डेज पूछ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन की बात कर रहा है। तो एक चीज हमारी क्लियर है, एक चीज हमारे लिए क्लियर है कि यहां पर क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन निकालना है। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज विल यू सप्लाई द वॉटर इन ऑर्डर टू इंश्योर सफिशियंट इरीगेशन ऑफ द गिवन क्रॉप Having field capacity of soil 28%, मतलब एक क्रॉप दी गई है आपको और उस क्रॉप की फील्ड कैपेसिटी दी गई है कितना, 28%, और उस क्रॉप के लिए, सेम क्रॉप के लिए पी डब्ल्यू पी की वैल्यू दे दी गई है कितना, 13%, और इसमें क्या कर रहे हैं, सफिशियंट इरीगेशन करना है। सफिशियंट इरीगेशन करने का मतलब है कि जैसे ही हमारा मॉइस्चर कंटेंट OMC तक पहुंचेगा हमें इरिगेशन करना है। सफिशिएंट इरिगेशंस करने का मतलब यही है कि जो यील्ड है वो भी प्रॉपर होना चाहिए और वाटर डेप्थ जैसे ही OMC तक पहुंचेगा वैसे ही हमें वाटर डेप्थ अप्लाइड करना है। तो क्रॉप ऑफ फील्ड कैपेसिटी एंड PWP इतना है। अगर हम बात करें तो गामा ड्राई की वैल्यू भी यहां दी गई है 1.3 ग्राम पर सीसी। तो मुझे बताइए गामा W की वैल्यू आप क्या लगाएंगे, 1 ग्राम पर सीसी, क्योंकि ये वैल्यू ग्राम पर सीसी में, तो ये भी ग्राम पर सीसी में, ठीक है। अब बोला गया इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन, मतलब डी की वैल्यू दी गई है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन इज इक्वल टू कितना है, 70 सेंटीमीटर है, और कंजम्पटिव यूज जो दिया गया है वो 12 mm पर डे दिया गया है, 12 mm पर डे। अगेन एक और पैरामीटर दे दिया गया है कि रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर इज इक्वल टू 80% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर, मतलब अब यहां पर समझने की बात है, ठीक है, ये जो पूरा मॉइस्चर है ये कितना है, अवेलेबल मॉइस्चर, ये कितना है, अवेलेबल मॉइस्चर। तो रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर अगर हम बात करें, रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर इज इक्वल टू 80% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर हो जाएगा, यानी 80% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर, और अगर हम 80% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर बात कर रहे हैं तो ये कितना आ गया है, OMC आ गया है। अब हमें जो डेप्थ रिक्वायर्ड है, हमें क्या बोला है, सफिशिएंट इरिगेशंस, तो हमें वाटर डेप्थ कितने कितने के बीच में निकालना है, तो हम निकालेंगे वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड OMC टू गेट सफिशियंट इरिगेशन, या टू इंश्योर सफिशियंट इरिगेशन हमें इंश्योरिटी देना है, तो उसके लिए हमें जो वॉटर डेप्थ निकालना है वो कहां कहां निकालना है, वो फील्ड कैपेसिटी एंड OMC के बीच में। लेकिन क्या OMC की वैल्यू आपको दी गई है, नहीं दी गई है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, पहला फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूपी के बीच में आप क्या निकाल लीजिएगा, वाटर डेप्थ निकाल लीजिएगा और उसका 80% निकाल लीजिएगा, क्या रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर आ जाएगा और इतनी ही डेप्थ प्रोवाइड करना है तो उसको कंजम्पटिव यूज से डिवाइड कर देना और जैसे ही कंजम्पटिव यूज से डिवाइड करोगे क्या तुम्हारा वैल्यू पता चल जाएगी तुम्हें,
तुम्हारी वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये है आम जिंदगी। अब हम चलेंगे मिंटोस जिंदगी की तरफ, ठीक है। तो मिंटोस जिंदगी क्या कहती है कि सर एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाएगा कि ये सारा डाटा गिवन है और आपको ओएमसी की वैल्यू निकालना है, फील्ड कैपेसिटी गिवन है, पीडब्ल्यूपी गिवन है और आरएएम कितना दिया गया है, 80% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर दे दिया गया है, तो बताइए ओएमसी की वैल्यू कितनी होगी, क्या निकाल सकते हो। दूसरा मिंटोस तरीका है कि ओएमसी की वैल्यू निकालना है तो वो हम निकालेंगे। पहला तरीका समझ में आया, तुमने क्या किया फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूपी के बीच में वाटर डेप्थ निकाली, फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूपी के बीच में वाटर डेप्थ निकाली, वो टोटल अवेलेबल मॉइस्चर हो गया, उसका 80% कर दोगे तो रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ आ गई या नहीं, और जब रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ आ गई तो उसको सीयू से डिवाइड कर दोगे तो क्या तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन तुम्हें मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, हाउ मेनी डेज, ठीक है। अब हम चल रहे हैं ओएमसी कैसे कैलकुलेट करना है वो हम बात यहां पर कर रहे हैं। तो मुझे बताओ अगर हम बात करें तो फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूपी के बीच में कितना मॉइस्चर अवेलेबल है, 28-13, केवल इतना ही मॉइस्चर अवेलेबल है, 28% टॉप पे और 13 नीचे, तो अगर हम बात करें टोटल 15% मॉइस्चर अवेलेबल है और 15% में से 80% ये आरएएम, 80% क्या है आरएएम, तो अगर हम आरएएम की बात करते हैं तो 80% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर यानी 80/100 ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर कितना है, फील्ड कैपेसिटी माइनस पीडब्ल्यूपी, और ये वैल्यू को अगर हम निकालना चाहें तो कितना जाएगा 80/100 इंटू फील्ड कैपेसिटी कितना 28-13। तो इस वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा, क्या इस वैल्यू की वैल्यू 15 × 0.8 तो ये कितना आ रहा है 12, कितना आ रहा है 12%। तो अगर हम बात करते हैं तो रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर कितना हो गया 12%, ये टोटल था 15% और ये कितना है 12%, ये कितना था 15%, ये कितना है 12%, तो फील्ड कैपेसिटी से 12% नीचे आओगे तो ओएमसी की वैल्यू मिल जाएगी या नहीं, तो ओएमसी इज इक्वल टू कितना होगा फील्ड कैपेसिटी माइनस रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर इज इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी कितना है 28-12 इज इक्वल टू कितना आ गया 16%, तो ओएमसी की वैल्यू कितना निकल के आ गई है 16%। नहीं आया समझ में फिर से देखना, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि यहां पर यहां से लेकर यहां तक कितना अवेलेबल है 15% टोटल, दोनों का डिफरेंस किया कितना प्रतिशत है 15% अवेलेबल है, तो मुझे बताओ आरएएम कितना होगा, आरएएम यहां से लेकर यहां तक ये कितना अवेलेबल हुआ 12% अवेलेबल हुआ या नहीं, तो अगर देखो यहां पर 28 है उसमें से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा 13% आएगा या नहीं, उसी तरीके से यहां पर 28 है और ये टोटल 12% है तो 12 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा ओएमसी की वैल्यू 16% निकाल के आ गई या नहीं। एक और ऑब्जेक्टिव मिंटोस जिंदगी, सिंपली तो तुमने बहुत कर लिए क्वेश्चन, ये एक और तरीका, यहां पर एक और तरीका अप्लाई किया है, ठीक है। अब ओएमसी आ गई तो अब हम निकालेंगे डेप्थ ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस ओएमसी। अगर हमने ये वैल्यू निकाली है तो इसको देखिए वैल्यू इनपुट कीजिएगा 1.3 g/cc/1 g/cc और डी की वैल्यू कितना 70 cm, तो 70 cm इंटू कितना फील्ड कैपेसिटी माइनस 28-16 या .28-0.16, तो ये वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा जरा कितना आ रहा है 1.3 × 0.28-0.16 तो ये 10.92 आ रहा है, कितना आ रहा है 10.92 क्या सेंटीमीटर। अब मुझे बताइएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज इक्वल टू वाटर डेप्थ अप्लाइड, वाटर डेप्थ प्रोवाइडेड अपॉन कंजम्पटिव यूज, तो देखिएगा वाटर डेप्थ प्रोवाइडेड कितना है 10.92, ये किसमें है सेंटीमीटर में, तो ध्यान दीजिएगा ये जो वैल्यू दी गई है वो किसमें है एमएम पर डे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें मैंने बोला था दोनों वैल्यू में यूनिट चेक करना है, यूनिट अलग अलग होंगे तो हमें चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे यहां पर 12 × 10⁻¹, तो -1, ठीक है, तो
अगर हम जाएंगे माइनस वन तो ये कितना आएगा, सेंटीमीटर पर डे में निकल करके आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन हमारा निकल के आएगा कितना, 1.2 से डिवाइड कर दो सीधा, कितना 9.1 डेज, कितना 9.1 डेज। और अप्रोक्सीमेटली हम इसको कितना लिखेंगे, 9 डेज लिखने की बात करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जहां पर आपके दो ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं, फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूपी दिया है, तो अवेलेबल मॉइस्चर परसेंटेज भी निकालने को बोल सकता है, या कोई और पैरामीटर की बात करें और पैरामीटर। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से, दूसरा तरीका आप अप्लाई करके देखना, मैंने बताया फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूपी के बीच में आप क्या निकालना, वाटर डेप्थ उसका 80% कर देना, और जो वाटर डेप्थ आएगी वो आप निकाल सकते हो, अभी भी निकाल सकते हो जल्दी, ठीक है। तो निकाल ही लो जल्दी से और चेक कर लो एक बार, जल्दी से चेक कर लो, 10.92 सेम आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो भी हमने पढ़ा हुआ था। तो इसमें कुछ मेगा क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो बीच में हम कभी एक प्रैक्टिस सेशंस रखेंगे जिसमें अभी तक जितना भी पढ़ा हुआ है उसके मेगा क्वेश्चंस, जो कन्वेंशनल वाले ट्रिक हैं उस कन्वेंशनल ट्रिक से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो मेगा क्वेश्चंस कुछ लेकर के आऊंगा जिन्हें हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। जब तक ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट बनाने के लिए है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो हम मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। लाइक कर दीजिएगा सेशन, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और जो भी जिन्होंने फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है फेसबुक पेज लाइक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी ज्वाइन कीजिएगा, करेंट अफेयर्स वहां पर मिलेगा आपको, और डेली क्विज भी होता रहेगा। साथ ही साथ जो भी नई चीज़ें होंगी उस सभी नई चीज़ों की नोटिफिकेशन आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।